जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है कि कांग्रेस एनसीपी सेना का साथ दे, हम पहले भी समर्थन दे चुके हैं। तो एनसीपी का साथ लेने और साथ में शिवसेना का साथ लेने के लिए ये एक तरह से दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है। और हुसैन दलवाई एक बार फिर से सामने आए हैं और उन्होंने कह दिया है कि सेना का, शिवसेना का साथ दे कांग्रेस और एनसीपी मिलकर। बिल्कुल, कांग्रेस नेता ने सोनिया से मांग की है शिवसेना के साथ सरकार बनाए। अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से, उनके पास सीधे चलेंगे। अलीशा, महाराष्ट्र में अब नया ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, हम जहां तक देख रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना के बीच में जिस तरीके से टकराव चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो एनसीपी कांग्रेस जरूर उठाते हुए दिखाई दे रही है। जहां तक एक तरफा एनसीपी ये कह रही है, शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने जो उनको बहुमत दी है वो ऑपोजिशन के लिए दी है। वही दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से खुद जो कांग्रेस के नेता है हुसैन दलवाई, उन्होंने सोनिया गांधी को जो है वो लेटर लिखा है और इस लेटर में कहा है कि शिवसेना अगर समर्थन चाहती है तो एनसीपी कांग्रेस का जो है वो उनको समर्थन देना चाहिए। तो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है बीजेपी शिवसेना जो है, जिस तरीके से बहुमत आने के बावजूद करीबन 9 दिन हो गए आज कि सरकार किसकी होगी, इस पर भी अब तक सवाल उठाया जा रहा है। जहां शिवसेना एक तरफा अड़ी हुई है कि अगर बीजेपी को समर्थन करना है तो उनके 50-50 फॉर्मूला पर ही आगे जाए, या तो शिवसेना खुद 2/3 मेजोरिटी पे जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो। अलीशा, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना चाहती क्या है, क्योंकि अपने अपने अड़ियल जो रवैया है उनका अड़ी हुई है उस पर, 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना अड़ी हुई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 5 साल के लिए वही मुख्यमंत्री होंगे। तो चल क्या रहा है, ये अभी तक सस्पेंस नहीं खुल पा रहा।